बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू अवर चैनल गार्डन साथ बहू का। आपकी दोस्त आयशा इरानी और मेरी प्यारी प्यारी क्यूट सी बहू अरिबा उमर, हम दोनों की तरफ से बहुत सारी मोहब्बत और सलाम कबूल हो। दोस्तों आज हमारे साथ हमारे हैं हमारा ब्यूटीफुल प्लांट, देखेंगे कितना ब्यूटीफुल प्लांट है, ये देखेंगे हमारा यूफोर्बिया हेट्रोफेला। ये इसका बॉटनिकल नेम है और इसके अलावा इसको पेंटेड लीफ, पॉइंसेटिया पॉइंसेटिया फायर प्लांट और इसके अलावा पेंटेड लीफ कहा जाता है इसको। और इसका जो कॉमन नाम है जिसके नाम से आपको इसकी वीडियोस मिल जाएंगी वो है फायर ऑन दी माउंटेन। अच्छा दोस्तों एक बात मैंने नोट की है कि इसके वीडियोस कर सर्च करते हुए मैंने जैसे उसमें निकाला नेट पे इसके बारे में मालूमात लेकर फिर मैंने इसकी वीडियो सर्च करने की कोशिश करी तो मेरे माशाल्लाह से इतने सारे गार्डनर दोस्त हैं, इतने अच्छे अच्छे उन्होंने वीडियोज़ बना रखी हैं एक से एक, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत बहुत कुछ सीखा है, अभी भी सीख रही हूँ। हम तो बना तिफले मकतब थे और तिफले मकतब हैं तो मैं अभी भी उनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ और अभी भी इससे पहले भी उनसे बहुत कुछ सीखा, लेकिन मुझे किसी की भी वीडियो इसके ऊपर नहीं मिली। इतना ब्यूटीफुल प्लांट है इसके ऊपर किसी की भी इतनी वीडियो नहीं मिली कि तो मेरे अब सब गार्डनर दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है कि देखें इसको अपने प्लांट उसमें लगाएं। ये देखें मेरा एक पौधा लगा हुआ है, ये देखें यहाँ से ना, ये देखें एक एक प्लांट चल रहा है माशाल्लाह से, और ये देखें माशाल्लाह से इसकी कितनी सारी ब्रांचेज हो चुकी हैं, ये देखें ये यहाँ पर भी निकल रहा है ये। और अच्छा इसको जो ये देखें इसके ऊपर ये जो है ये कलर इसके आ रहे हैं, देखें ये पेंटी लीफ जिसको बोला जाता है ना, तो उसको इसी वजह से बोला जाता है कि इसके देखें ये लीव्स ऐसे लग रहे हैं कि जैसे पेंट किए हुए हैं। ये देखें ये आपको नज़र आएगा तो ये मैं दिखाती हूँ आपको कि ये देखें, ये देखें माशाल्लाह ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना दोस्तों कि जैसे हमने इसको पेंट कर रखा है। तो फायर ऑन द माउंटेन किसकी ऑन द माउंटेन क्यों बोला जाता है इसको देखें, एक प्लांट है मेरा ये देखें एक प्लांट, तो इसकी कितनी सारी माशाल्लाह ब्रांचेज निकल गई, ये ब्रांच निकल रही है इसकी, ये निकल रही है, ये निकल रही है, ये निकल रही है इसकी, ये निकल रही है इसी एक पौधे की ब्रांच है ये। अब देखें तसव्वुर करें, इमेजिन करें इसको कि ये देखें ये भी ब्रांच इसकी है, ये इमेजिन करें कि जब ये पूरा ये रेड कलर के पूरा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये पूरा ये बिखरा हुआ होगा इसके ऊपर कलर, जब ये देखें इसके ऊपर भी लाल हल्का हल्का कलर आना शुरू हो चुका है, इसे भी रेड कलर हल्का हल्का सा आना शुरू हो चुका है देखेंगे, तो जब ये पूरा ये रेड कलर से इस तरह से ये डॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, ये पेंट हो जाएंगे लीफ ये, तो आप यकीन करें कि कैसा लगेगा, ये वाकई फायर ऑन दी माउंटेन लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे किसी पहाड़ पे आग लगी हुई है, इतना अच्छा लगेगा ये। तो मेरा तो ये मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट है, ये मुझे बहुत पसंद है ये मुझे। अच्छा इससे पहले हमारे पास था ये लेकिन मेरे पास ना ख़त्म हो गया था ये, तो मैं इसको ढूँढ रही थी कि मुझे कहीं से मिल जाइए, तो मैंने ना इसको ढूंढने की कोशिश करी, तो मैं भी दो महीने पहले तकरीबन उस पर गई थी नर्सरी पे अपने प्लांट लेने के लिए गई थी, तो वहाँ मुझे ये कोने में लगा हुआ नज़र आया, जब ये मैं हमने आई थिंक डोमेंसी पीरियड्स के अंदर था आपने ये, तो ये थोड़ा सा मुरझाया हुआ लगा था, तो मैंने नर्सरी वाले भाई साहब से कहा कि मुझे ना ये प्लांट चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इसका तो अभी सीज़न नहीं है, ये पौधा तकरीबन मरा हुआ है। मैंने इनसे कहा कि भाई आप मुझे बस इसका ये जो सीड्स लगे हुए हैं, तो मैंने कहा मुझे आप ये इसके सीड्स दे दें मुझे ये, तो पौधा तकरीबन मुरझाया हुआ था, उन्होंने बोला मुझे बोला बाजी आपका ले जाना है कोई फ़ायदा नहीं है ये लगेंगे नहीं, तो मैंने कहा नहीं भाई आप मुझे दे दें, क्योंकि मैं बहुत बेचैन हो रही थी अपने इस पौधे के लिए कि ये पौधा मुझे मिल जाए किस तरह से, तो उन्होंने क्या किया मुझे ये पौधा ऐसे ही पूरा जड़ों से निकाला और जड़ों से निकाल के मुझे दे दिया कि चलें आप ये ले जाएँ। अच्छा सुबह इत्तफाक़ के फिर मैं आई तो उसके बाद नाशादी तबा की वजह से मैं तकरीबन दो महीने अपने गार्डन को नहीं देख सकी, क्योंकि डॉक्टर ने मुकम्मल जो ना बेडरेस बता रखा था मुझे, तो ये ऐसे ही लगा हुआ था उसके अंदर एक कोने के अंदर पड़ा हुआ था, बच्चों से बोल देते थे कि प्लांट्स को पानी नहीं दे दो अपना, तो बच्चों ने शायद गोडी उटी करी मिट्टी वगैरह इधर उधर मुंतकिल करी। तो ये दोस्तों इतना इजी टू ग्रो प्लांट है, एक तो देखिए इसकी खूबसूरती तो मैंने आपको बता दी कि किस तरह से ये वाकई लगेगा कि फायर ऑन दी माउंटेन है, ये जब पूरा भर जाएगा ना तो फिर मैं ऐसे आपकी पूरी वो इस वीडियो बना के आपसे साथ शेयर करूँगी इसे। तो देखें ये बच्चों ने अगर मिट्टी इधर चेंज की होगी, मुझे नहीं पता कि ये मेरे पौधे जगह जगह कैसे लग गए किस तरह लग गए, क्योंकि मैं तो तकरीबन दो माह तक अपने पौधों को देखा ही नहीं था। तो देखें ये देखें माशाल्लाह से ये यहाँ लग गया, ये यहाँ लग गया, और मैं भी आपको दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ ये माशाल्लाह से खुद ग्रो कर गई है। ये देखें एक ये मेरे माशाल्लाह से इस प्लांटर में निकल गई खुद ये, और इसमें तो खैर नहीं है, लेकिन देखें माशाल्लाह से ये भी यहाँ पे भी अपनी बाहर दिखा रही है,
और ये माशाल्लाह इनकी ब्रांचेज निकलने की देखिए तैयारी हो रही है इसके अंदर ये, और देखिए माशाल्लाह से ये भी निकल रहा है माशाल्लाह से। तो ये अभी इसके भी लीव्स ऐसे ही हो जाएंगे, प्रिंटेड लीव्स हो जाएंगे, ये बन जाएंगे ये, और ये देखें ये भी ऐसे ही हो जाएंगे ये। और भी दो चार उसमें इस प्लांटर के अंदर पीछे भी मेरे ख्याल में तो शायद है उसके अंदर, हाँ इनमें भी शायद दो चार में लगा हुआ है। बहरहाल जहाँ जहाँ बच्चों ने कहीं मिट्टी डाली होगी किधर डाली होगी तो ये ऐसे ही मतलब माशाल्लाह लग गया इसका ये। तो इसको ग्रो करना दोस्तों बहुत आसान है, आप अपने गार्डन की ये जहाँ जिधर डालेंगे जिस अंदाज से डालेंगे ना, एक बात होती है ना कि लोग बोलते हैं कि भाई आपके तो हाथ में ये बात है, आपने बस बीज ऐसी फेंका और लग गया, तो इसके लिए वाकई ये बात सादिक आती है कि आप इसको जिस अंदर डालेंगे जैसे अंदर डालेंगे ये तो ये फ़ौरन प्रोपेगेट हो जाएगा ये। इसको ऐसी कोई ख़ास गार्डन सॉइल पॉटिंग मिक्स नहीं चाहिए होता है, कोई इसको ख़ास फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए। देखिए मैंने इसको ना अपने कैन के अंदर लगा रखा है, ये सादा सा कैन इसके अंदर लगा हुआ है, और देखें ये भी मेरा कैन के अंदर लगा हुआ है, और इसमें माशाल्लाह तीन चार पौधे और भी लग रहे हैं। तो अब इसके जब सीड्स तैयार हो जाएंगे, देखिए ये इसके हम इस सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर मैं ये अपने दोस्तों को गिफ्ट भी दूँगी। देखेंगे ये हमारे जो है ये देखें ये देखें ये ब्लैक कलर का सा नज़र आ रहा है ना इसके अंदर से, ये जो नज़र आ रही है ये इसका सीड है असल में, ये ब्लैक कलर का ये देखेंगे ये है इसका सीड। तो इसको माशाल्लाह से सीड भी इसके गुच्छों की शक्ल में होते हैं, देखिए एक इसके बंच के ऊपर माशाल्लाह कितने सारे सीड इसके निकल रहे हैं ये। तो इसको सीड्स के ज़रिए भी ग्रो करना आसान है, और इसकी आप ये इस तरह से स्ट्रीम लें इसकी, ये इसको काट के इसको भी लगा दें, इसको छांव के अंदर रख दें तो उसको वह हम इस तरह से भी लगाना आसान है। इसको प्रोपेगेट करना बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिंपली गार्डन सॉइल लें, थोड़ा सा उसके अंदर काउड रख लें, इसके अंदर आपका पॉटिंग मिक्स तैयार है, किसी भी पॉट में रख दें। इसको अच्छा धूप पसंद होती है, देखें इस वक्त फुल धूप के अंदर है ये, इस वक्त मेरे रूप गार्डन के अंदर फुल धूप चढ़ी हुई है, और तकरीबन 4 बजे तक तो फुल धूप रहेगी इसके अंदर, तो उसको धूप बहुत पसंद है, ये धूप के अंदर अच्छा ग्रो करता है। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरा ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लांट पसंद आया हो तो इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और स्पेशली दुआ में याद रखिएगा। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।